अस्सलामुअलैकुम है दोस्तों, वेलकम बैक एमआर के ब्लॉग्स। आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो अभी मैं आया हूँ हॉस्पिटल पे, ये पीछे दिख रहा है हॉस्पिटल, साथ में बैंक भी है। तो ये जो वीडियो है, मैं उस दिन गया था समंदर के पास रात में, तो सोचा वो वीडियो आप लोगों को दिखा दूँ। आज वीडियो छोड़ने का डेट है, तो चलिए जहाँ गया था आप लोगों को दिखाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं समंदर के पास। अब चलते हैं समंदर के पास, आप लोगों को दिखाते हैं मैं जहाँ गया था वहाँ पे। अभी मैं फ़िलहाल तिजारी पे हूँ। उस दिन रात में गया था, दो दिन पहले शूट किया हुआ वीडियो है, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर सामने है पांडा मार्केट, ये है रेस्टोरेंट, इधर सामने है दुकान, सामने बैंक है, इसको तिजारी कहते हैं, मार्केट है छोटा मोटा। तो अभी चलिए चलते हैं उधर जहाँ समंदर पे गया था रात में। आप लोगों को पूरा क्लियर दिखा नहीं पाऊँगा जितना भी शूट हुआ। चलिए, ये तो हमारा गाड़ी आप लोगों को मालूम ही है, चलिए चलते हैं उधर समंदर के पास। मैं आया हूँ समंदर किनारे में कॉर्निश पे, तो यहाँ पे खड़े खड़े हवा खा रहा हूँ। आप लोगों को भी खिलाते हैं हवा समंदर की। चलिए आगे दिखाते हैं, इधर पूरा आदमी घूम रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ पे आया मैडम को लेकर रेस्टोरेंट पे, मैं सोचा यार थोड़ा शूटिंग कर लूँ, अच्छा होगा, आप लोगों को दिखा दूँ। चलिए दिखाते हैं आगे की तरफ आप लोगों को। इधर पूरा एरिया, मतलब समंदर किनारे है ना, तो पूरा पार्किंग एरिया है। इधर आदमी चल रहा है, इधर साइड में वो जो बिल्डिंग दिख रहा है सब होटल है। समंदर पानी झिकमिक आ रहा है। उधर जो लाइटिंग दिख रहा है वो बहरीन है, बहरीन लाइटिंग दिख रहा है। और ये है खोबर का मेन जो चीज़ है, बहुत बार देखा था मैं टीवी में फ़ोटो पे, ये तो दो साल से देख रहा हूँ यहाँ पे आके। खोबर में है समंदर के ऊपर बनाया है इसको, अच्छा लगता है देख के। फिर लाइटिंग, जब लाइटिंग मारता है तब अच्छा लगता है देख के। इधर साइड में मस्जिद है, ये है मस्जिद, नमाज़ पढ़ने के लिए जामे मस्जिद है ये। मेरे को सर्दी है ना, तो आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इधर साइड में होटल है, रेस्टोरेंट, समंदर के पार में रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे अभी दो घंटा हो गया आया, इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार करते करते पता नहीं कब जाएगा, 12 बजे यहाँ से निकलेगा मेरे को लगता है। यह तो पूरा रात भर आदमी रहता है। इधर बहुत मस्त हवा आ रहा है, वैसे मेरे को बुखार है, ठंड भी लग रहा है। अभी जाके गाड़ी में बैठना है, बस गाड़ी उधर पार्किंग में है, जाके गाड़ी में बैठते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी जगह पे। ये जो वीडियो है कल ख़त्म होगा, कल संडे है ना, कल ख़त्म होगा ये वीडियो, देखते आएगा फिर ये वीडियो मंगलवार को आएगा आप लोगों को, मंगलवार को आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मैं आज क्या है, आज शनिचर है, कल भी होगा ये वीडियो, फिर ख़त्म होगा, फिर मंगलवार को जाएगा ये वीडियो यूट्यूब पे। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यू हाउस ड्राइवर का काम है, इसमें क्या है, इंतज़ार करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है, अल्लाह का करीम है। तो इसमें इंतज़ार आपको 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अभी देखा है, मैं समंदर के पास गया था रात को लगभग 7:45 बजे, वहाँ से आया रात को 1:30 बजे, 1 बजे 1:30 बजे आया वहाँ से, तो वहाँ पे 4-5 घंटा वेटिंग करना पड़ा। तो बाकी कुछ नहीं है, खाना पीना तो मिलते रहता है। आप लोग जो लोग हाउस ड्राइवर में आना चाहते हैं आ सकता है, कोई आदमी बोलता है ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सही है, लेकिन कंपनी में मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपनी पे जो है ना 7 घंटा 8 घंटा जितना भी घंटा ड्यूटी रहता है आपका, जैसे कि सुबह 7-8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ड्यूटी, आपका 4 बजे ड्यूटी ख़त्म है, बाद में आप किधर भी जाओ कोई पूछने वाला नहीं है, फिर सुबह 8 बजे फिर दूसरे दिन ड्यूटी। लेकिन हाउस ड्राइवर में ऐसा नहीं, आपको ड्यूटी नहीं है, आप रूम पर सो कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका एक टेंशन रहता है कि कब मेरा ड्यूटी लग जाएगा कोई पता नहीं है, ऐसा ही है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेशन खबर से, मैं शरीफुल इस्लाम, शरीफुल हसन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो दूसरे को शेयर करना, जो सऊदी आना चाहता है आपका दोस्त,
और पसंद ना आया तो डिसलाइक कर देना, साथ में लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा। खुदा हाफिज़। जय हिंद।